हमारे पिता ईश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से अनुग्रह और शांति मिले। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान यहोवा पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए जिसमें आपने हम सब को ले पहुंचाया है, और जबकि इस सत्र को हम आरंभ करते हुए इस रिट्रीट में उपस्थित होकर के पिता आपकी आराधना स्तुति प्रशंसा करते हुए आपके वचन के साथ संगति करना चाहते हैं। पिता परमेश्वर, आप भी हमारे बीच में बहुत उपस्थिति प्रदान कीजिए। जो वचन है पिता, उसे हम समझने सीखने वाले होने पाए, और जो हमारी बुलाहट है पिता, जो सेवक और सेविका के रूप में कलीसिया में काम करने के लिए पिता परमेश्वर, उस बुलाहट को हम अधिकारी से आत्मिकता के साथ उसे समझ सके और अपने जीवन में आगे बढ़ने वाले होने पाए। पिता आप ही हमारे सहायता कीजिए, अगुवाई कीजिए। तो यह गीताय की प्रार्थना आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से हम करते हैं। दया से सुनिए और सर्वराज में ग्रहण कीजिए। इस समय के लिए चुना हुआ जो वचन है जो हमें मिलता है के नाम पौलुस प्रेरित की दूसरी पत्री उसका पहला अध्याय पद 8 से लेकर के 11 पद तक। दूसरा तिमोथियुस अध्याय 1 उसका 8 से लेकर के 11 पद तक। इसीलिए हमारे प्रभु की गवाही से और वो से जो उसका कहती हूँ लज्जित ना हो, पर उस परमेश्वर की सामर्थ्य के अनुसार सुसमाचार के लिए मेरे साथ उठाना, जिसने हमारा उद्धार किया और पवित्र बुलाहट से बुलाया, और यह हमारे कामों के अनुसार नहीं पर उसके उद्देश्य और उस अनुग्रह के अनुसार है जो मसीह यीशु में सनातन से हम पर हुआ है। पर अब हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के प्रकट होने के द्वारा प्रकाशित हुआ, जिसने मृत्यु का नाश किया और जीवन और अमरता को उस समाचार के द्वारा प्रकाशमान कर दिया, जिसके लिए मैं प्रचारक और प्रेरित और उपदेशक भी ठहरा। यहाँ तक हमें सभी कुछ बढ़ जाएंगे। हम पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि आज के इस दिन में उसने हम सबों को ले पहुंचाया है, और सचमुच में जबकि हम आज यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और हम सभी यहाँ पर परमेश्वर के सेवक और सेविका हो करके आज बुलाए गए हैं, और जब हम बुलाहट के बारे में जब हम देखते हैं तो बुलाहट के लिए एक जो ग्रीक शब्द है केलेसिस का शब्द का प्रयोग किया गया है, और उसका अर्थ होता है एक निमंत्रण, अर्थात कि निमंत्रण के रूप में उस शब्द का अर्थ बताया गया है, और साथ ही उसका और एक अर्थ है जिसमें दिव्य सम्मान के रूप में उस शब्द का प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार से बुलाहट का जो शब्द है उसके बारे में बताया गया है। और इससे पहले जबकि हम लोग वचन में जाए, एक उदाहरण मैं बताना चाहती हूँ, जो कि सन 1933 ईस्वी का समय था, और उस समय एक सिख प्रचारक थे जिसका नाम था बक सिंह नाम के प्रचारक थे, जिन्होंने जो परमेश्वर के राज्य में होकर के परमेश्वर के सुसमाचार को सुनाने के लिए वे चुने गए थे, और उसी चुनाव के अंतर्गत बुलाहट के अंतर्गत वे कराची पहुंचते हैं, और कराची पहुंचने के बाद वे परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उसे ऐसे लोग चुने जाए जो कि उसके लिए सुसमाचार प्रचार करने में सहायक हो सके, और उसने बहुत प्रार्थनाओं को किया, और प्रार्थना के साथ उसने क्या किया, जब परमेश्वर ने से उसने प्रार्थना किया कि उसे एक अच्छे और शिक्षित तरीके से बुलाए गए लोग चाहिए, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें एक ऐसे जो लोगों को दिया जो कि बहुत ही गरीब थे और वे अशिक्षित भी थे, लेकिन परमेश्वर ने उन लोगों को बख्त सिंह के पास भेजा ताकि वे लोग परमेश्वर के सुसमाचार को प्रचार करें, और वे लोग क्या काम करते थे, वे लोग झाड़ू लगाने का काम करते थे। लेकिन यहाँ पर हम एक चीज को देखते हैं कि वहाँ पर जो परमेश्वर के द्वारा से जो चुने गए लोग थे वो बख्त सिंह के द्वारा से नहीं था, लेकिन वो परमेश्वर की ओर से था, और वे लोग सुबह अपने सारे कामों को करने के बाद वे लोग परमेश्वर के वचन को सुनाने के लिए जो सिख प्रचारक थे बख्त सिंह उसकी सहायता वे करते थे, और इस प्रकार से उन्होंने उन लोगों ने जो बहुत ही छोटी जाति के थे या हम कह सकते हुए गरीब लोग थे, उन लोगों के साथ होकर के बख्त सिंह ने परमेश्वर का वचन का प्रचार कराची में किया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि बुलाहट किस प्रकार से है। हम ये नहीं कह सकते कि किसी की बुलाहट बहुत ही अच्छे तरीके से हो, बहुत ही बुद्धिमान हो या कम हो, परमेश्वर की बुलाहट अलग
अलग तरीके से की जाती है। और वचन को भी हम यहाँ पर जब देखते हैं तो जो दूसरा तिमोथी उसका पहला अध्याय था उसका हम लोग 8-11 तक पढ़े, लेकिन जो 9 पद है उसको उस वचन को मैं बताना चाहती हूँ। उस वचन में जबकि हम देखते हैं कि लिखा हुआ है, जिसने हमारा उद्धार किया और पवित्र मुलाकात से बुलाया और यह हमारे कामों के अनुसार नहीं पर उसके उद्देश्य और उस अनुग्रह के अनुसार जो मसीह यीशु में सनातन से हम पर है। अर्थात कि हमारे कामों के अनुसार हमारा चुनाव नहीं हुआ, लेकिन आज जो चुनाव हुआ वो परमेश्वर के द्वारा से किया गया है। तो आज इस प्रकार की बुलाहट को आज हम अपने जीवन में देखते हैं। और जबकि जो तिमोथियस था हम सभी जानते हैं कि वो एक युवा था और पौलुस जो थे उनका वो सहयोगी के रूप में वो कार्य करता था। और सहयोगी के साथ साथ हमेशा पौलुस ये जानता था कि जवान लोगों की क्या समस्या है, अर्थात कि वो उत्सुक होते थे, वे बहुत ज़्यादा जैसे कि हट्टे खट्टे होकर के वे यहाँ वहाँ भी जा सकते थे। तो हर प्रकार से वो जो पौलुस है वो तिमोथियस को अच्छी शिक्षा के साथ वो अगुवाई करना चाहता था और उस बुलाहट को जो कि परमेश्वर की बुलाहट था उस बुलाहट को वो बताना चाहता था। और इसीलिए आज वचन में यही कहता है कि हमारे कामों के अनुसार आज हमारा बुलाहट नहीं हुआ, लेकिन परमेश्वर ने, जैसे कि वचन में हम जानते हैं कि आज गर्भ से रचने से पहले उसने हम सबों को चुन लिया है। तो इस प्रकार से आज चुनाव हमारा हुआ है। जब हम यीशु मसीह के जीवन को जब हम देखते हैं तो यीशु मसीह ने भी, हम सभी जानते हैं कि यीशु मसीह ने 12 चेलों का चुनाव किया, 12 चेलों के साथ साथ 70 चेलों का भी चुनाव किया और इस प्रकार से उन लोगों को उन्होंने शिक्षा देते हुए परमेश्वर के राज्य का या परमेश्वर के लिए उन्होंने लोगों को या उन चेलों को तैयार किया। तो जब यीशु मसीह के समय में यीशु मसीह का जब चुनाव हम देखते हैं तो कैसे उसने उस चुनाव को किया, उसने 3 समुदाय से जो चुनाव है लोगों का किया। सबसे पहला जो चुनाव है वो मछुआरे समुदाय से उसने किया, अर्थात कि मछुआरे समुदाय। हम सभी जानते हैं कि यीशु मसीह मछुओं को, जो मछली पकड़ने वाले लोग थे उनको उन्होंने चुना। और हम जानते हैं कि गलील झील है, वहाँ पर वे लोग अपना मछली का जो व्यापार है वो करते थे और उसी से अपना जीवन यापन को चलाते थे और इस रूप में उन्होंने अपना जो जीवन है उसको उन्होंने चलाया था। और जो गलील के जो लोग थे वे एक प्रकार से हम देखते हैं कि वे एक साधारण लोग थे और साधारण लोग होने के साथ साथ वे जो लोग थे वे लोग मसीह का प्रतीक्षा कर रहे थे, इस रूप में वे लोग अपना जीवन को जी रहे थे। जब हम लोग मत्ती रचित सुसमाचार उसका अध्याय 4:18 से आगे देखते हैं तो वहाँ पर स्पष्ट रूप से हमें मिलता है कि किन किन लोगों को परमेश्वर ने अपनी सेवा के लिए चुना और वो चुनाव क्या था। पतरस, अंद्रियास, याकूब, यूहन्ना, इन लोगों का चुनाव हुआ। अर्थात कि सबसे पहला चुनाव जो यीशु मसीह के द्वारा से हुआ वो था मछुआरे समुदाय के द्वारा से हुआ था। उसके बाद जब हम वचन में और देखते हैं, जब यीशु मसीह ने अपने लोगों को चुना तो कैसे किन लोगों को चुना। दूसरा था कि जो चुनाव था वह था जिलोतेस कनानी, जिलोतेस कनानी समुदाय के लोगों से उन्होंने लोगों को चुना। और जिलोतेस का जो अर्थ होता है वो है क्रांतिकारी समुदाय, अर्थात क्रांतिकारी समुदाय। जैसे कि हम अपने उदाहरण के रूप में हम अपने भारत देश में देखते हैं कि हमारे भारत देश में भी बहुत सारे क्रांतिकारी हुए जो कि अंग्रेजों से उनका विरोध किए, उनसे लड़ाई किए, जिसमें भगत सिंह है, चंद्रशेखर आजाद है, फिर मंगल पांडे, इन लोगों को हम एक क्रांतिकारी योद्धा के रूप में या जो कि इस हमारे भारत देश को आजाद करने में अपना योगदान दिया। तो उसी प्रकार यीशु मसीह का जो जीवन था उस समय उसने अपने चेलों का चुनाव जिलोतेस कनानी समुदाय से किया। और वे लोग कैसे लोग थे, वे लोग कनानी लोग थे जो कि राजनीतिक स्वतंत्रता वे चाहते थे, अर्थात कि जिलोतेस जो थे वे राजनीतिक स्वतंत्रता चाहते थे और साथ में वे एक सच्चे राष्ट्रभक्त के रूप में पाए जाते थे और साथ में वे परमेश्वर के राज्य का जो सुसमाचार था वो शांतिपूर्वक नहीं लेकिन वो तलवार चला करके या युद्ध करके वे करते थे, इसीलिए उन्हें क्रांतिकारी समुदाय कहा जाता था। और ऐसे समुदाय से जो व्यक्ति आते थे वे लोग यही समझते थे कि जो परमेश्वर का राज्य है वो युद्ध
के द्वारा से होगा। और इस मूर्ति को भी देखने का उनका दृष्टिकोण भी वैसा ही था कि वे लोग वैसा ही उसे देखते थे, एक क्रांतिकारी के रूप में वे लोग देखते थे। और उसी समुदाय से जब हम उस व्यक्ति को देखते थे कि वो कौन चेला था और कौन जो व्यक्ति था वो कौन था, जैसे कि लुका रचित सुसमाचार का 6वां अध्याय को हम पढ़ेंगे, उसका 15 पद में उसका अंतिम लाइन में लिखा हुआ है, सेमोन जो जिलतोस कहलाया। तो उस जगह में हम देखते हैं कि वो व्यक्ति इस जिलतोस जो समुदाय का उस समुदाय का व्यक्ति था जो कि परमेश्वर के कार्य के लिए यीशु मसीह ने उसे चुना। उसके बाद जो तीसरा समुदाय था वो था कि चुंगी देने वालों को। हम सभी जानते हैं कि चुंगी लेने वालों को परमेश्वर के राज्य का प्रचार करने के लिए यीशु मसीह ने चुना। और उस समुदाय में सबसे पहला नाम आता है मत्ती का, मत्ती को उसने चुना, हम सभी जानते हैं। और उस समुदाय के लोगों को, जबकि हम उस समुदाय के लोगों के बारे में जब हम देखते हैं तो उस समय जो लोग थे वे यहूदी लोग थे जो कि रोमी शासन के लिए कर वसूलते थे, या हम कह सकते हैं कि मजदूर को वे लोग उठाने वाले लोग थे। और उस समय का जो के लोग थे उन लोगों को वे लोग घृणित दृष्टि से देखते थे, अर्थात कि लोग उन्हें हत्यारे समझते थे, मूर्ति पूजक समझते थे, चोर समझते थे, इस प्रकार से वे चुंगी लेने वालों को समझते थे। और जैसे कि हम लोग किंग के बारे में जो मरकुस 2:14 और मत्ती 9:9 में उन बातों को हम देखते हैं। और जो वे लोग थे जो यहूदी समुदाय से होकर के थे वे पंचायत में गवाही देने, अर्थात कि कहीं पर भी उनकी गवाही को प्राथमिकता नहीं दिया जाता था, तो इस रूप में उन्हें देखा जाता था। लेकिन फिर भी ऐसे समुदाय से जो यीशु मसीह है उसने मत्ती को चुना और सेवा के लिए उसने लाया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यीशु मसीह भी जो थे उन्होंने जो परमेश्वर के राज्य के सुसमाचार करने के लिए लोगों को बुलाया अलग अलग समुदाय से। और आज जबकि हम भी इस जगह में इकट्ठे हुए हैं, हम भी अलग अलग जाति के हैं, अलग अलग भाषा भाषी के लोग हैं, लेकिन फिर भी आज हम बुलाए गए और चुने हुए लोग हैं। और इसी प्रकार जब हम यीशु मसीह के बारे में जब हम देखते हैं तो यीशु मसीह ने हमें कैसे प्रशिक्षण दिया, जैसे कि हम लोग जानते हैं जब यीशु मसीह के साथ जब चेले थे उनको किस प्रकार से प्रशिक्षण दिया। जैसे कि आज जब हम प्रशिक्षण की बातों को करते हैं तो हमारे पास क्लास है जो कि हम विभिन्न विषयों को, अलग अलग विषयों को पढ़ करके उनको समझते हैं, सीखते हैं, और उसके द्वारा से हम तैयार होते हैं कि परमेश्वर के राज्य के लिए हम कैसे लोगों को परमेश्वर की निकटता में लाए। तो यीशु मसीह का जो शिक्षा देने का जो कार्य था या उनका प्रशिक्षण देने का जो कार्य था वो अलग था, और वो था कि वो अपने चेलों को विश्वास करना सिखाते हैं। जैसे कि हम लोग सुसमाचार की पुस्तकों में देखते हैं कि वो विश्वास करना अपने चेलों को सिखाते हैं, प्रार्थना करना सिखाते हैं, उपवास रखना सिखाते हैं, और अपने पापों को क्षमा मांगने के लिए सिखाते हैं, दया, नम्रता और अनंत जीवन को वो सिखाते हैं। अर्थात एक शिक्षक के रूप में यीशु मसीह जब उनको बुलाते हैं सेवा के लिए तो वो विशेष रूप से इन चीजों की शिक्षा देते हैं। तो मसीह में मेरे प्रियो, आज जबकि हमारे लिए भी जो बुलाहट है, हमें भी आज इन सभी विश्वास, प्रार्थना, उपवास, इन सबों के साथ साथ आज हमें नाना प्रकार के विषयों पर जो हमें शिक्षा दी जाती है उनको भी आज हमें प्रशिक्षण के तौर पर लेने की आवश्यकता है। और जब हम शिष्यों का जो मिशन की बात को करते हैं तो यीशु मसीह जो उनके 12 शिष्यों के बारे में जब हम देखते हैं तो उसमें हम यही देखते हैं कि वो उनको, उन लोगों को जब यीशु मसीह ने प्रचार के लिए भेजा तो उनको कहा गया कि अन्य जातियों और सामरियों के किसी नगर में प्रवेश न करें, लेकिन उनको यीशु मसीह ने कहा कि तुम इसराइल के घराने की कोई भी भेड़ों के पास जाओ, अर्थात कि हर एक वो लोग जो कि परमेश्वर के वचन को नहीं जानते थे ऐसे जगह जाने के लिए कहा गया। और इसी संदर्भ में जो एक धर्म वैज्ञानिक है या हम जिसको थियोलॉजियन कर सकते हैं हंटर, उन्होंने इस मिशन को जो कि शिष्यों का जो मिशन था उनको 4 बातों में रखा है। जो सबसे पहला जो बात है वो था कि शिष्यों को बिना सामान के उनको यात्रा करना था, उसने अपने संदर्भ में उसको बताने का प्रयास किया है। दूसरा ये कि शिष्यों को प्रचार और चंगाई करने की इस रूप में उन्होंने बताने का प्रयास किया। और तीसरा जो था वो था कि शिष्यों को अतिथि आचरण संबंधी विशेष नियम का पालन करना था। और जो चौथा था वो था कि मसीह के राजदूत अर्थात प्रतिनिधि के रूप में उसे जो मिशन था उसको पूरा करना था। तो मसीह में मेरे
समझते हैं। आज हमारे लिए, आज किसी के लिए नया समय है, कोई नए स्टूडेंट है, कोई पुराने हैं, चाहे हम पीटीएस के हैं, चाहे हम जीबीसी के हैं, हर एक के लिए एक बुलाहट है कि हम परमेश्वर के राज्य के लिए अपने आप को तैयार करें। और जैसे तिमो के भी अपने आप को तैयार किया और परमेश्वर की सेवा उसने लगन के साथ और मेहनत के साथ किया, और इसीलिए उसने कहा कि आज उस पवित्र बुलाहट से बुलाया गया है। मसीह में मेरे प्रियो, आज चाहे हम यहाँ पर जितने भी सेवक और सेविका हैं, आज परमेश्वर की उस पवित्र बुलाहट को आज हमें जानना है, समझना है कि हम अपने जीवन में आगे बढ़े। आज हम बहुत सारे बुलाहट को हो सकता है कि बीच में छोड़ दें, या हो सकता है उस बुलाहट को समझ ना सके, लेकिन परमेश्वर चाहता है हमें आज परमेश्वर की बुलाहट को बहुत तार से समझने की आवश्यकता है। और इस वचन के अनुसार आज हमें तीन बातें बताई गई है। सबसे पहली बात यह है कि बुलाहट के प्रति समर्पण होना चाहिए, अर्थात कि आज जो बुलाहट में हम बुलाए गए हैं उसमें समर्पण की बात होना चाहिए। जैसा कि जो तीतुस थे, जो तीमुथियुस थे, वो भी समर्पण के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ा। और उसी प्रकार जब हम बाइबल में भी बहुत सारे उदाहरण को देखते हैं, जैसे कि नेहमिया की पुस्तक को हम पढ़ते हैं, उसका 2:17 को जब हम पढ़ते हैं, तो नेहमिया वहाँ पर वो जानता है कि उसे यरूशलेम की शहर बना को उसे बनाना है, और बनाने के लिए परमेश्वर ने उसकी दीवार को बनाने के लिए उसे बुलाया है, उसको समझता है, इस रूप में वो अपनी बुलाहट को समझता है। उसी प्रकार जो पौलुस प्रेरित है, उसने भी अपनी बुलाहट को समझा, और जैसे हमने प्रेरित क्रिया उसका 22:21 में भी हम देख सकते हैं कि वो जानता था कि उसे कहाँ जाना है, अर्थात कि अन्य जातियों के बीच में जा करके सुसमाचार का प्रचार करना है। तो इस रूप में उस बुलाहट के प्रति जो समर्पण है उसको जानने की आवश्यकता है। जो तीमुथियुस है उसने समझा, बाइबल में बहुत सारे बुलाहट के बारे में हम पढ़ते हैं, उसमें हम उन सभी में यही बात को देखते हैं कि परमेश्वर के जो सेवा है उसके लिए आज हम बुलाए गए हैं। तो आज एक सेवक और सेविका को अपनी बुलाहट के प्रति समर्पण होने की आवश्यकता है। आज आपको हर एक को समर्पण की आवश्यकता है, और आज जब अपने समर्पण को जब रखते हैं तो उसके लिए उससे पीछे हटने की आवश्यकता नहीं है, अर्थात कि आगे बढ़ने की जरूरत है। आज बहुत सारी कठिनाइयां आ सकती है, हो सकता है कि जब पढ़ाई शुरू होता है तो उसमें बहुत सारी कठिनाइयां आएंगी पढ़ाई लिखाई के समय में, हो सकता है कि नाना प्रकार से पारिवारिक समस्या भी आ सकती है, लेकिन फिर भी जब हम बुलाए जाते हैं तो हमें बुलाहट के लिए समर्पण की आवश्यकता होती है। दूसरी बात, वचन के अनुसार आज हमें बताया गया है कि सेवकाई के प्रति आज हमें समर्पण की आवश्यकता है। जो हमारा बुलाहट है उसमें हमें सेवकाई के प्रति समर्पण की आवश्यकता होती है। इसीलिए जब हम सेवकाई को करते हैं तो हमें पूरे दिल के साथ करना है, या आलस्य के साथ नहीं, लेकिन आज हमें लगन के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ सेवा करने की आवश्यकता है। और साथ ही आज जब हम समर्पण को जब सेवकाई के क्षेत्र में करते हैं तो हमें निरंतर प्रयास करना चाहिए। हमारे हो सकता है कि हम नई नई चीजों को सीखते हैं, जानते हैं, तो उसमें हमें प्रयास करने की आवश्यकता है। इसीलिए जैसे कि कुलूसी 3:23-24 पद में जब आप लोग पढ़िएगा तो उसमें वहाँ पर लिखा हुआ है कि मनुष्यों के लिए जो है कार्य वो मनुष्यों के लिए नहीं, लेकिन आज जो भी कार्य है वो परमेश्वर के लिए करना है। अर्थात कि आज मनुष्य के लिए आज हमें किसी कार्य को करने के लिए बुलाया नहीं गया है, लेकिन आज हमें परमेश्वर के कार्य करने के लिए बुलाया गया है। इसीलिए आज चाहिए कि आज हमें सेवकाई के प्रति अपना समर्पण को रखना चाहिए, यदि आज हमारे लिए बुलाहट है। तीसरा और अंतिम जो बात है वो है कि जीवन में आत्मिक अनुशासन की आवश्यकता है। जैसे कि हम लोग जो तीमुथियुस है उसके बारे में देखते हैं कि उसने भी जो पहला तीमुथी को जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारे अनुशासन की बातों को बताया गया है। एक सेवक के लिए, एक बिशप के लिए बहुत सारे अच्छी तरह से उसमें जो अनुशासन है उसके बारे में बताया गया है। तो उसी प्रकार जब हम अपने आधुनिक जीवन में जब हम देखते हैं तो आज हम आर्थिक व तकनीकी क्षेत्र में जब हम देखते हैं तो आज इसमें बहुत बड़ी समस्या नहीं है, उसको हम सुधार भी सकते हैं, लेकिन आज हमारे लिए सबसे ज्यादा जो संकट है या हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या है वो है आत्मिक और नैतिक संकट से आज हम गुजर रहे हैं। तो आज इस कलीसिया में जबकि हमें बुलाया गया है सेवा के लिए, तो आज हमें पृथ्वी
का नमक और जगत की ज्योति बन करके आज हमें उस बुलाहट को जानने की आवश्यकता है और इसलिए आज आवश्यकता है कि आत्मिक जीवन में अनुशासन के साथ, क्योंकि आज हमें ऐसे लोगों की जो सहायता है करने की आवश्यकता है जो नैतिक रूप से कमजोर है, आत्मिक रूप से नाना प्रकार की समस्याओं से घिरे हुए हैं। तो इस प्रकार से आज हमें उस बुलाहट को समझते हुए अपने जीवन में अनुशासन की भी आवश्यकता होती है। इसीलिए अनुशासन के क्षेत्र में जब हम उस बुलाहट को देखते हैं और बढ़ते हैं तो उसमें हमें चाहिए कि वचन पढ़ने सीखने में हमें अनुशासन की आवश्यकता है। आज हमें वचन को सीखने के लिए निरंतर प्रयास करने की आवश्यकता है जो कि हमें एक अनुशासित जीवन को बताती है। दूसरी बात आज है कि हमें शारीरिक अनुशासन की भी आवश्यकता है। जैसे कि पहला कुरिन्थियों 6 उसका 19 और 20 को जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें एक वचन है जिसमें कहा गया है कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। तो सचमुच में आज हमें उस बुलाहट में शारीरिक अनुशासन की भी आवश्यकता है। और तीसरी बात जो है वो हमारे दिमाग के प्रति अनुशासन की आवश्यकता है, अर्थात कि जब हम उस बुलाहट को जो परमेश्वर हमें दिया है जब हम बुलाए जाते हैं तो हमारा जो मन है, हृदय है या हमारा दिमाग कह सकते हैं उसके प्रति भी आज हमें अनुशासन की आवश्यकता है। जैसे कि रोमियो का 12:2 वचन में कहा गया है कि बुरे और गंदे विचारों को हम हमें जगह नहीं देना है। तो अगर हम उन चीज़ों को जगह देते हैं तो सचमुच में आज हम उस बुलाहट को कहीं ना कहीं नीचे कर रहे हैं। तो आज हमें चाहिए कि आज उस बुलाहट के प्रति हमारा समर्पण होना चाहिए, सेवकाई के प्रति समर्पण होना चाहिए और जीवन में आत्मिक अनुशासन के साथ आगे बढ़ने की आज अति आवश्यक है। इसलिए मसीह में मेरे प्रियो, आज जबकि हम रिट्रीट के रूप में यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, आज हम बहुत सारे आत्मिक बातों को जानेंगे, कल भी जानेंगे, तो हमें चाहिए कि हम अपनी बुलाहट को भली भांति समझते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ाएं। किन्हीं के लिए यह समय नया है और किन्हीं के लिए पुराना है, लेकिन फिर भी अपने जीवन को निरंतर परमेश्वर की उस बुलाहट को हम समझते हुए हमें आगे बढ़ना है और बढ़ते चले जाना है। प्रभु परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमें से प्रत्येक को अधिकाई से आशीष दे। आमीन।